हेलो एवरीवन तो आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट में इंग्लिश का चैप्टर टू पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं तो चैप्टर टू है ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स यानी कि ग्रीटिंग्स का अर्थ होता है इसका मतलब होता है अभिवादन अभिवादन करना यानी कि किसी का स्वागत करना कुछ कहकर जैसे कि नमस्ते भी कहते हैं गुड मॉर्निंग बोलते हैं सुप्रभात बोलते हैं तो इस तरीके से किसी का स्वागत करने को ग्रीटिंग्स बोलते हैं तो लेट अस रीड आइए अब हम पढ़ते हैं वेन आई मीट सम वन आई से नमस्ते वेन जब आई मैं मीट मिलती हूँ समवन किसी से जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं उसे क्या कहती हूँ नमस्ते कहती हूँ नमस्ते ये लड़की जो है इस लड़के से मिल रही है तो ये आपस में नमस्ते कर रहे हैं वेन आई मीट सम वन इन द मॉर्निंग अभी लड़की कहती है कि जब मैं मॉर्निंग यानी कि सुबह को किसी से मिलती हूँ आई से गुड मॉर्निंग तो मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात अब नेक्स्ट है आफ्टरनून आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय जब मैं किसी से आफ्टरनून में यानी कि दोपहर के समय मिलती हूँ आई से गुड आफ्टरनून तो मैं उसे गुड आफ्टरनून बोलती हूँ अब यहाँ पर नेक्स्ट है आप चित्र में देख सकते हैं वेन आई मीट सम जब मैं किसी से शाम को मिलती हूँ सूर्य कब छिपता है इवनिंग में तो यहाँ देख सकते हैं शाम का समय है और जो सन है वो सेट हो रहा है छिप रहा है तो जब मैं शाम को किसी से मिलती हूँ आई से गुड इवनिंग तो मैं गुड इवनिंग बोलती हूँ अब यहाँ पर नेक्स्ट है वेन आई गो टू बेड जब मैं सोने जाता हूँ या सोने जाती हूँ आई से गुड नाइट तो मैं शुभ रात्रि यानी कि गुड नाइट बोलती हूँ तो ये था आपका पार्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्रीटिंग्स यानी कि एक दूसरे को कैसे ग्रीटिंग देते हैं ग्रीटिंग्स देते हैं यानी कि ग्रीटिंग्स बोलते हैं अभिवादन करते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन है मैच द पिक्चर विद द सेंटेंस यहां पर पिक्चर को इन सेंटेंसेस से मैच करना है तो फर्स्ट है यहां पर आई कोम्ब माई हेयर मैं जो है अपने बाल कंघी करती हूँ तो यहाँ पर कौन सी पिक्चर में जो है कंघी हो रही है तो यहाँ पर ये यह लड़का जो है अपने हेयर्स को कॉम कर रहा है तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट आए सी माए टीचर मैं अपने टीचर को देखता हूँ तो यहाँ पर कौन सी पिक्चर में टीचर को देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में ये जो है अपनी टीचर को देख रहा है इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट है आई ईट माए फूड मैं अपना खाना खाती हूँ तो ये अपना फूड ईट कर रही है यानी कि खा रही है इसके साथ मैच करेंगे आई हेयर द bell रिंग मुझे जो है घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो बेल रिंग यहाँ पर देखेंगे यह है बेल तो इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट आई वॉक टू स्कूल मैं स्कूल जाती हूँ यानी कि पैदल स्कूल जाती हूँ तो ये स्कूल जा रही है आई प्ले फ़ुटबॉल मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ तो ये फ़ुटबॉल खेल रही है इसके साथ मैच करेंगे नाउ राइट दीज लेटर्स यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं इन्हें आप दोबारा लिखेंगे सिंग द ए बी सी सॉन्ग अगेन इस ए बी सी सॉन्ग को जो है दोबारा गाएंगे तो यहाँ पर जो लेटर्स है ये कहाँ से शुरू हैं जी अल्फाबेट से आपको जो है किस तरीके से तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे पहले इस तरीके से घुमाना है उसके बाद फिर ऊपर की तरफ फिर अंदर की तरफ तो इस तरीके से आपका जी बन जाएगा फिर यहाँ देखेंगे स्मॉल जी कैसे बनाना है तो पहले जो है देख सकते हैं इस तरीके से आपको सर्कल बनाना है यानी कि एक ओ बनाना है फिर नीचे की तरफ खींचना है और फिर इस तरीके से मोड़ देना है तो आपका स्मॉल जी बन जाएगा तो सभी लेटर बनाने के यहाँ पर तरीका बताया गया है तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ये लेटर्स बनाएंगे तो पहले चैप्टर में हमने कहाँ तक लेटर्स बनाने सीखे थे एफ़ तक यानी कि एफ़ अल्फ़ाबेट तक हमने लास्ट चैप्टर में लेटर्स को बनाना सीखा था आज जो है हम आज के इस चैप्टर में कहाँ से सीखेंगे जी से तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट है तो हमें बनाना है कैपिटल में तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से करेंगे फिर ऊपर की तरफ और फिर अंदर की तरफ तो क्या बन गया आपका जी बन गया अब इस तरीके से आपको बनाना है इस्मॉल तो इस्मोल के लिए आपको इस तरीके से ओ बनाना है फिर नीचे की तरफ करना है और इस तरीके से मोड़ देना है नेक्स्ट है एच तो यहाँ पर एच बनाएंगे इस तरीके से दो लाइन खींचेंगे और फिर बीच में खींचेंगे स्मॉल एच बनाने के लिए एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ मोड़ देंगे नेक्स्ट है आई तो आई के लिए इस तरीके से लाइन खींचेंगे स्मॉल के लिए छोटी लाइन खींचेंगे और एक डॉट लगाएंगे अब नेक्स्ट है यहाँ पर जे तो कैपिटल जे के लिए इस तरीके से लाइन खींचेंगे और मोड़ देंगे नेक्स्ट है यहाँ पर स्मॉल जे बनाना है तो इसके लिए नीचे की तीन लाइन में स्मॉल जे बनाएंगे और यहाँ पर डॉट लगा देंगे अब नेक्स्ट है के तो के के लिए ऊपर की तीन लाइन में आपको के बनाना है नेक्स्ट यहां पर स्मॉल के के लिए यह भी तीन लाइन में बनाना है इस तरीके से तीन लाइन में लाइन खींचेंगे और फिर नीचे की दो लाइन में इसे बना देंगे नेक्स्ट है एल तो यहां पर तीन लाइन में एल बनाएंगे तो यह है आपका कैपिटल एल और इस तरीके से स्मॉल एल बनाएंगे नेक्स्ट है एम तो एम इस तरीके से बनाना है आपको कैपिटल तो स्मॉल किस में बनाएंगे बीच की दो लाइन में आपको स्मॉल एम बनाना है नेक्स्ट है एन तो सबसे पहले कैपिटल एन बनाएंगे उसके बाद स्मॉल एन बनाएंगे नेक्स्ट है ओ तो ओ को इस तरीके से तीन लाइन में बनाएंगे और जो स्मॉल ओ होगा उसे बीच में दो तो लाइन में बनाएंगे उसके बाद पी जो है आपको ऊपर की तीन लाइन में बनाना है कैपिटल पी स्मॉल पी नीचे की तीन लाइन में बनाएंगे तो इस तरीके से जो है आप इन लेटर्स को बनाना सीखेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेटर्स साउंड यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं जिनकी साउंड के कुछ वर्ड्स हैं आप उन्हें रीड करेंगे तो फर्स्ट है यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है वो है एफ तो ये क्या है एफ ओ एक्स फॉक्स नेक्स्ट है एफ ओ ओ टी फुट तो ये क्या है फुट यानी कि पैर नेक्स्ट है फिश एफ आई एस एच फिश यानी कि मछली तो ये जो वर्ड है वो है एफ साउंड के नेक्स्ट है जी तो जी साउंड का वर्ड है गॉट जी ओ ए टी गॉट बकरी नेक्स्ट इज जी ए टी ई गेट गेट दरवाजा एंड लास्ट इज गर्ल जी आई आर एल गर्ल गर्ल लड़की तो ये हैं जी साउंड के वर्ड्स नेक्स्ट इज एच तो एच साउंड का वर्ड है हाउस एच ओ यू एस ई हाउस हाउस मीन्स घर एच ए एन डी हैंड मीन्स हाथ एच यू टी हट मीस झोपड़ी नेक्स्ट लेटर इज आई तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है आई आर ओ एन आयरन आयरन मीस परेस यानी कि स्त्री नेक्स्ट इज आई सी ई आइस आइस मींस बर्फ एंड लास्ट इज इंक पॉट आई एन के पी ओ टी इंक पॉट नेक्स्ट है जे लेटर तो जे लेटर की यहां पर साउंड है तो फर्स्ट वर्ड है जैकेट जे ए सी के ई टी जैकेट सेकेंड इज जैक फ्रूट जे ए सी के एफ आर यू आई टी जैक फ्रूट यानी कि कटहल एंड लास्ट इज जे यू जी जग जग यानी कि पानी भरने का जग अब यहाँ पर नेक्स्ट है से अलाउड ईच लेटर प्रत्येक लेटर को आपको बोलना है देन एन सर्कल द पिक्चर विच बिगिन विद द सेम लेटर साउंड और उस पिक्चर को आपको सर्कल करना है जो कि उस लेटर साउंड से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट यहाँ पर लेटर है जी तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है हाउस यहाँ पर गर्ल है और थर्ड जो है क्या है आयरन तो जी फोर गर्ल होता है तो जी साउंड से स्टार्ट है तो आप इसे सर्कल कर देंगे नेक्स्ट इज एफ एफ फोर फ्लार नेक्स्ट इज हॉर्स और लास्ट इज स्टार तो यहाँ पर एफ साउंड से स्टार्ट है फ्लार वर्ड तो फ्लार यानी कि फूल इसको आप सर्कल कर देंगे नेक्स्ट इज जे तो जे फोर जैक फ्रूट यहाँ पर ये बी है तो बी होता है बी फोर और यहाँ पर एच फोर हैंड है तो जे लेटर से स्टार्ट होता है जैक फ्रूट तो इसके साथ यहाँ पर आप इसको सर्कल कर देंगे नेक्स्ट है एच तो एच यहाँ पर फर्स्ट है कैट सेकेंड है काइट और लास्ट है हट तो यहां पर एच साउंड से स्टार्ट होता है हट वर्ड तो यहां पर हट मिस होती है झोंपड़ी इसको आप सर्कल कर देंगे अब यहां पर नेक्स्ट है हॉप अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा फुदको हॉप यानी कि फुदकना कह सकते हैं कूदना हॉप अ लिटिल जंप अ लिटिल थोड़ा सा कूदो थोड़ा सा उछलो वन टू थ्री एक दो तीन तो ये गेम है हॉप स्कॉच स्टैम्प अ लिटिल थोड़ा सा स्टैम्प यानी कि पैर से कूदना इसके पास लिटिल टैप वन यानी कि एक घुटने पर टैप यानी कि कूदना और थोड़ा सा स्किप उछलना तो यहाँ पर जो है इस तरीके से कौन सा गेम खेलते हैं स्किपिंग द रोप यानी कि रस्सी कूदना जैसे कि ये लड़की इस गेम को खेल रही है नेक्स्ट इज डांस अ लिटिल ट्विस्ट अ लिटिल योर हैंड यानी कि थोड़ा सा डांस करो थोड़ा सा ट्विस्ट करो ट्विस्ट यानी कि मुड़ो योर हैंड और अपने हाथों को हिलाओ जैसे कि ये डांस कर रहे हैं नेक्स्ट इज यौन आ लिटिल यौन यानी कि जमा लेना स्लीप आ लिटिल थोड़े से सो इन योर बेड अपने बेड में यानी कि जमा ही लो और अपने बेड में सोने के लिए चले जाओ न्यू वर्ड्स तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं हॉप हॉप यानी कि फुदकना जंप कूदना स्टैंप स्टैंप यानी कि जोर से पैर पटकना तो इसे बोलते हैं स्टैम्प नेक्स्ट इज इस स्किप स्किप यानी कि उछलना टैप टैप यानी कि कदम बढ़ाना डांस नाचना ट्विस्ट मोड़ना सेक हिलाना यौन जमाही लेना और स्लीप सो जाना अब यहां पर नेक्स्ट है पिक्चर टॉक तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो है बच्चे हैं जो कि डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर ये बच्चे स्विंग यानी कि झूल रहे हैं ये यहाँ पर टीचर्स बातें कर रहे हैं ये गुलेल चला रहा है यहाँ पर जो है ये बच्चे पानी में देख सकते हैं पानी भरा हुआ है इसमें कागज की नाव बना रहे हैं यानी कि बोटिंग कर रहे हैं अब यहाँ पर ये पिक्चर है यहाँ पर जो है देख सकते हैं दो लड़कियाँ रस्सी कूद रही हैं यहाँ पर ये अकेली रस्सी कूद रही है यहाँ पर ये गेम खेल रहे हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ बच्चे गेम खड़े होकर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सेवन टाइल्स का गेम है तो यहाँ पर ये बच्चे इस गेम को खेल रहे हैं ये खाना खा रहे हैं तो यहाँ पर जो बच्चे हैं इन पिक्चर्स में बहुत सारे गेम खेल रहे हैं कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े हैं जो कि बाहर की तरफ देख रहे हैं तो इस पिक्चर में जो है बहुत सारे गेम्स हैं जो बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं तो काउंट कर लेते हैं तो पिक्चर में कितने बच्चे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन उसके बाद यहाँ पर भी बच्चे हैं नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री उसके बाद ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट तो यहाँ पर इन पिक्चर्स में कितने बच्चे हैं तो, तो टोटल बच्चे हैं ट्वेंटी एट तो यहाँ पर लिखेंगे हम टी डब्ल्ल्यू ई एन टी वाई ट्वेंटी ई आई जी एच टी एट नेक्स्ट इज वॉट गेम्स आर दे प्लेइंग वो जो है कौन कौन से गेम खेल रहे हैं तो हमने जो है इसमें देखे कि बच्चे जो है बहुत सारे गेम्स खेल रहे हैं तो कौन कौन से गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे गेम्स खेल रहे हैं सेवन टाइल्स स्कीपिंग द रोप हॉप स्कॉच बोटिंग स्विंगिंग एट्सेट्रा नेक्स्ट इज विच इज योर फेवरेट गेम आपका पसंदीदा गेम कौन सा है तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे जो भी गेम आपको पसंद है आप उसका नाम लिखेंगे नेक्स्ट इज सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स कुछ बच्चे जो है पिक्चर में गेम्स नहीं खेल रहे हैं वॉट आर दे डूइंग तो वे क्या कर रहे हैं तो कुछ बच्चे जो पिक्चर में गेम नहीं खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेंगे वो खाना खा रहे हैं गेम देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं कर रहे है? स्कूल से बाहर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये बच्चे जो हैं जो गेम नहीं खेल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे तो वो रीडिंग कर रहे हैं ईटिंग कर रहे हैं इनकी खाना खा रहे हैं लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द स्कूल और स्कूल से बाहर देख रहे हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है मैच द एक्शंस विद द पिक्चर पिक्चर के साथ आपको एक्शंस को मैच करना है तो दे आर डांसिंग तो यहाँ पर ये डांस कर रही हैं डांसिंग का एक्शन यानी कि नाच रही हैं सीट जंपिंग वो कूद रही है तो यहाँ देख सकते हैं वो जंप कर रही है इसके साथ मैच कर देंगे ही इज योनिंग वो जो है जमा ले रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में ये योनिंग यानी कि जमा ले रहा है तो इसके साथ मैच करेंगे नेक्स्ट इज सी इज होपिंग वो जो है कूद रही है तो यहाँ गेम खेल रही है ये तो होपिंग कर रही है दे आर वॉकिंग वो घूम रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वॉकिंग कर रहे हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है सीमा इज रनिंग तो यहाँ देख सकते हैं सीमा रनिंग कर रही है इसके साथ मैच करेंगे कुमार इज स्ट्रेचिंग कुमार जो है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके साथ मैच करेंगे द डॉग इज स्लीपिंग तो यहां देख सकते हैं डॉग जो है वो स्लीपिंग यानी कि सो रहा है नेक्स्ट है वित्तल इज बैंडिंग तो वित्तल जो है झुक रहा है यानी कि झुककर एक्सरसाइज कर रहा है तो इसके साथ मैच करेंगे द बॉय इज स्कीपिंग लड़का जो है रस्सी कूद रहा है तो इसके साथ मैच कर देंगे अब यहां पर नेक्स्ट है लेटेस्ट प्ले हॉप स्कॉच यहाँ पर हॉप स्कॉच गेम जो है हमें खेलना है तो योर टीचर विल हेल्प यू ड्रॉ द पिक्चर ऑन द फ्लोर आपकी जो टीचर हैं वो फ्लोर पर यानी कि फर्श पर इस गेम को ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करेंगी यू हैव टू टेक टर्न्स टू जंप एंड हॉप आपको जो है जंप करने के लिए और हॉप करने के लिए टर्न यानी कि मुड़ना होगा जंप विद वन फुट इन ईच बॉक्स एक पैर से ही प्रत्येक बॉक्स में आप जंप करेंगे स्टार्ट विद वन आप जो है पहले से स्टार्ट करेंगे यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट से आपको स्टार्ट करना है गो टिल यू रीच नंबर सेवन और तब तक चलना है जब तक कि आप कहाँ तक पहुँच जाए नंबर सेवन तक पहुँच जाए अब यहाँ पर नेक्स्ट है देन टर्न अराउंड एंड कम बैक तब जो है आप उसके चारों तरफ टर्न करेंगे और वापस आ जाएंगे इफ़ यू पुट योर फुट आउटसाइड द बॉक्स यदि आप अपना पैर बॉक्स के बाहर रख देते हैं देन यू आर आउट तो आप आउट हो जाते हैं वेन यू आर प्लेइंग वन राउंड तो आप जो है इस गेम को खेलेंगे तो यदि आप इस गेम को खेलते हैं तो आपको बताना है डिड यू जम्प क्या आप कूदे तो यहां पर आंसर होगा यस डिड यू होप ऑफकोर्स तो यहां भी यस होगा हाँ क्या आप उछले डिड यू हैव फन क्या आपको मजा आया तो यहां भी आंसर होगा यस डिड यू काउंट द नंबर्स वाइल प्लेइंग क्या आपने नंबर यानी कि गिनती की जब आप प्लेइंग यानी कि खेल रहे तो आंसर होगा यस अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं तो आप यहाँ पर बॉक्सेस में वर्ड्स दिए गए देख कर पिक्चर को कंप्लीट करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं वर्ड्स हैं डांस होप स्किप स्लीप बैंड जंप ईट तो फर्स्ट यहां पर देखेंगे एच ओ तो यहां पर लिखेंगे ओ एच ओ पी होप तो ये क्या कर रही है यहां होप कर रही है यहाँ पर लिखेंगे एस के आई पी स्कीप यानी कि रस्सी कूद रही है अब यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है बैंड तो यहाँ लिखेंगे बी ई एन डी तो ये यह यहाँ पर क्या कर रहा है तो ये स्लीप यानी कि सो रहा है तो यहाँ पर जो है लिखेंगे एस एल ई पी स्लीप यानी कि सोना तो यहाँ पर ये यह क्या कर रही हैं डांस कर रही हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे डी ए एन सी ई डांस ये यहाँ पर क्या कर रही है तो ये ईट यानी कि खाना खा रही है तो है लिखेंगे ए और टी ईट तो यहां पर इस पिक्चर में लड़की क्या कर रही है जंप कर रही है तो यहां पर लिखेंगे हम जे यू एम पी जंप तो आप जो है इस तरीके से इन्हें फिल कर लेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड यहाँ पर प्रत्येक वर्ड को कंप्लीट करने के लिए मिसिंग लेटर को लिखेंगे तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है ये है पेन तो यहाँ लिखेंगे पी ई एन तो यहाँ पर लिखेंगे ई e. नेक्स्ट पिक्चर में है कैट यानी कि बिल्ली तो सी के बाद क्या आएगा ए सी ए टी कैट तो नेक्स्ट पिक्चर किसकी है तो नेक्स्ट पिक्चर में है डॉग तो डॉग की स्पेलिंग क्या होती है डी ओ जी डॉग तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा ओ यानी कि डी ओ जी डॉग अब यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में क्या है तो नेक्स्ट में है टेन तो टेन की स्पेलिंग होती है टी ई एन तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टी के बाद ई टी ई एन टेन यानी कि दस नेक्स्ट पिक्चर में क्या है तो नेक्स्ट में है स्टार तो स्टार की स्पेलिंग क्या होती है तो स्टार की स्पेलिंग होती है एस टी ए आर स्टार तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एस टी ए आर तो क्या हो गया स्टार तो नेक्स्ट पिक्चर किसकी है तो नेक्स्ट पिक्चर में है बस तो बस की स्पेलिंग क्या होती है बी यू, यू एस तो यहाँ पर लिखेंगे यू बी यू एस बस अब यहाँ पर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है तो नेक्स्ट पिक्चर में है सिप सिप यानी कि जहाज तो सिप की स्पेलिंग क्या होती है एस एच आई पी तो यहाँ पर लिखेंगे आई एस एच आई पी शिप यानी कि जहाज अगली पिक्चर किसकी है तो इस पिक्चर में है जग तो जग की स्पेलिंग क्या होती है जे यू जी जग तो यहाँ पर लिखेंगे यू जे यू जी जग तो नेक्स्ट पिक्चर में कौन है तो नेक्स्ट में है फॉक्स फॉक्स मीन्स होती है लोमड़ी तो फॉक्स की स्पेलिंग क्या होती है तो फॉक्स की स्पेलिंग होती है एफ ओ एक्स तो यहाँ पर लिखेंगे ओ एफ ओ एक्स अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेटर साउंड यहाँ पर लेटर दिए गए हैं और उनकी साउंड्स दी गई हैं तो फर्स्ट लेटर है के तो के साउंड के वर्ड्स हैं कैटल तो फर्स्ट है कैटल तो ये पिक्चर में क्या है कैटल नेक्स्ट पिक्चर में है काइट के आई टी ई काइट मींस होती है पतंग नेक्स्ट पिक्चर में क्या है तो नेक्स्ट में है की, -E -Y, की है, है, L. तो L के ई वाई की मीस है चाबी अब नेक्स्ट लेटर है एल तो एल साउंड के वर्ड्स हैं तो फर्स्ट वर्ड है लीफ लीफ तो लीफ मीन्स होती है पत्ती नेक्स्ट पिक्चर में क्या है तो नेक्स्ट में है लायन तो लायन जो वर्ड है वो शुरू होता है एल साउंड से एल आई ओ एन लायन मीन्स सेल नेक्स्ट पिक्चर में है लेमन लेमन मीन्स होता है नींबू तो एल ई एम ओ एन लेमन मीन्स नींबू तो लेमन वर्ड स्टार्ट होता है एल साउंड से नेक्स्ट है एम तो एम साउंड से स्टार्ट होता है वर्ड माउथ एम ओ यू टी एच माउथ माउथ मीन्स होता है मुंह नेक्स्ट पिक्चर में है मैंगो तो एम साउंड से स्टार्ट होता है एम ए एन जी ओ मैंगो मैंगो मीन्स आम एंड लास्ट इज माउस तो एम लेटर से स्टार्ट होता है माउस वर्ड माउस मीन्स होता है चूहा नेक्स्ट है एन तो एन साउंड से स्टार्ट होता है नाइन तो नाइन मीन्स क्या होता है नौ no, तो नाइन की स्पेलिंग क्या होती है एन आई एन ई नाइन नेक्स्ट है एन ई एस टी नेस्ट नेस्ट मीन्स घोसला एंड नेक्स्ट है नोज एन ओ एस ई नोज नोज मीन्स नाक तो ये वर्ड स्टार्ट हुए एन लेटर से यानी कि एन लेटर साउंड से नेक्स्ट है ओ तो ओ लेटर की साउंड से कौन कौन से वर्ड्स शुरू होते हैं तो फर्स्ट है आउल ओ डब्लू एल आउल आउल मींस उल्लू नेक्स्ट है ओ एक्स ऑक्स ऑक्स मीन्स बैल एंड लास्ट इज ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज ऑरेंज मीनस संतरा अब यहाँ पर फर्स्ट है नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो प्रत्येक रो में आपको इनिशियल यानी कि जो शुरुआत की वर्ड्स में साउंड है यानी कि जो वर्ड्स हैं उनकी आपको शुरुआत की यानी कि पहली साउंड को नोटिस करना है एंड फाइंड द ओड वन आउट और जो अलग है उसे बताना है तो फर्स्ट है यहाँ पर कैप सी ए पी कैप एम ओ यू एस ई माउस एम ए एन जी ओ मैंगो तो यहाँ पर जो है माउस और मैंगो में कौन सी लेटर की साउंड है एम लेटर की साउंड तो यहाँ पर अलग क्या है cap इसमें सी लेटर की साउंड है जो इनिशियल साउंड है वो सी है तो यहाँ पर ओड है सी ए पी कैफ तो इसे जो है आप सर्कल कर देंगे नेक्स्ट है लायन लैम्प हैंड तो लायन की स्पेलिंग है एल आई ओ एन लायन उसके बाद है एल ए एम पी लैम्प एच ए एन डी हैंड तो लायन और लैम्प वर्ड में एल साउंड है इनिशियल और हैंड में एच लेटर इनिशियल साउंड है तो यहाँ पर ओड है एच ए एन डी हैंड नेक्स्ट है नेस्ट एन ई एस टी नेस्ट मीन्स घोंसला एस आई एच सिक्स सिक्स मीन्स होता है छः यानी कि सिक्स एन आई एन ई नाइन तो यहाँ पर नेक्स्ट और नाइन में इनिशियल साउंड है एन यानी कि दोनों की सेम है डिफरेंट कौन सी है सिक्स जिसमें एस इनिशियल साउंड है तो यहाँ पर ओड है सिक्स नाउ प्ले टाइम कैन यू डू दिस क्या आप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर हैंड्स आप अपने हाथों का प्रयोग किए बिना टर्न द पेजेज ऑफ योर बुक आपको अपनी बुक के पेजेस को टर्न यानी कि पलटना है वन बाय वन एक एक करके सिट विद्यो पार्टनर अपने सहपाठी यानी कि अपने दोस्त के साथ बैठें लुक एट ईच अदर्स आईज एक दूसरे की आंखों में देखें एंड सी और देखें हु ब्लिंक्स फर्स्ट कौन जो है पहले झपकता है यानी कि झपकी कौन मारता है तो आप जो है पहले गेम के लिए यानी कि बिना हाथों का यूज करके पेजेस को किस तरीके से टर्न कर सकते हैं तो इसके लिए आप फूक यानी कि ब्लो करके फूक मार के भी कर सकते हैं दूसरे गेम के लिए आप अपने एक पार्टनर को चूज करेंगे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन जो है पहले ब्लिंक करता है तो इस तरीके से आप इन गेम्स को खेल सकते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट दीज लेटर्स इन लेटर्स को आप लिखेंगे सिंग द ए बी सी सॉन्ग अगेन आप दोबारा से ए बी सी का सॉन्ग जो है गाना दोबारा गाएंगे तो हमने जो है पहले क्वेश्चन में पी लेटर तक कंप्लीट किए थे तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में Q से जेड तक कंप्लीट करेंगे तो यहाँ देख लेंगे यहाँ पर आपको किस तरीके से लेटर्स बनाने हैं तो पहले जो है यहाँ देखेंगे पहले इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक क्यू बनाएंगे फिर इस तरीके से इसमें बीच से निकाल देंगे तो इस तरीके से आपका कैपिटल क्यू बन जाएगा अब यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से स्मॉल क्यू बनाना है तो पहले ओ बनाना है उसके बाद इस तरीके से लाइन खींचनी है और फिर ऊपर की साइड में मोड़ देना है तो इस तरीके से आपका स्मॉल क्यू बन जाएगा तो सारे लेटर्स को बनाने के लिए आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको इन लेटर्स को बनाना है तो आइए देखते हैं शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इन लेटर्स को बनाएंगे तो सभी जो है प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके से क्यू बनाएंगे और फिर यहाँ पर खींच देंगे एक लाइन तो आपका कैपिटल क्यू बन गया अब यहाँ पर बनाना है स्मॉल क्यू तो स्मॉल के लिए इस तरीके से एक लाइन नीचे खींचेंगे और ऊपर की तरफ मोड़ देंगे नेक्स्ट है आर तो आर के लिए एक लाइन खींचेंगे तीन लाइन में और इस तरीके से और फिर नीचे की तरफ खींच देंगे यहाँ पर आपका ये है आर तो आर के लिए आप इस तरीके से बनाएंगे अब नेक्स्ट है एस तो एस को आप तीन लाइन में बनाएंगे ऊपर की तरफ अब आपको बनाना है स्मॉल एस नेक्स्ट लेटर है टी तो ऊपर की तीन लाइन में टी लेटर बनाएंगे कैपिटल स्मॉल लेटर भी तीन ऊपर की लाइन में बनेगा और नीचे से हल्का सा मोड़ देंगे और बीच में इस तरीके से लाइन खींच देंगे नेक्स्ट है यू अब यहाँ पर कैपिटल यू बनाएंगे उसके बाद स्मॉल यू बनाएंगे नेक्स्ट है वी अब यहाँ पर तीन लाइन में ऊपर की वी बनाएंगे स्मॉल बीच की दो लाइन में बनाएंगे नेक्स्ट है डब्लू तो डब्लू जो लेटर होगा वो आप ऊपर की तीन लाइन में बनाएंगे कैपिटल बीच की दो लाइन में स्मॉल डब्लू बनाएंगे नेक्स्ट है एक्स तो ऊपर की तीन लाइन में आप कैपिटल एक्स बनाएंगे और स्मॉल एक्स बीच की दो लाइन में नेक्स्ट है वाई तो वाई जो है आप ऊपर की तीन लाइन में बनाएंगे और नीचे की तीन लाइन में स्मॉल वाई बनाएंगे नेक्स्ट है जेड तो जेड जो है ऊपर की तीन लाइन में बनाएंगे और स्मॉल जेड बनाएंगे बीच की दो लाइन में तो इस तरीके से जो है आप इन लेटर्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अब यहां पर नेक्स्ट है लेटर साउंड तो यहां पर कौन कौन सी लेटर की साउंड है पी क्यू आर एस टी तो पहले हम पी लेटर साउंड के वर्ड्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ड है पेंसिल पी ई एन सी आई एल पेंसिल नेक्स्ट वर्ड है पॉट पी ओ टी पॉट मीन्स बर्तन एंड लास्ट इज पी ए आर आर ओ टी पैरट मीन्स तोता नेक्स्ट वर्ड इज क्यू नेक्स्ट लेटर साउंड इज क्यू तो क्यू लेटर साउंड का पहला वर्ड है क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट है क्विल्ट तो यहां पर देख सकते हैं ये है क्विल्ट और लास्ट है क्विल तो क्विल यानी कि यहां पर देख सकते हैं छोटा पंख है नेक्स्ट लेटर साउंड है आर तो आर फोर होता है रेनबो आर ए आई एन बी ओडब्ल्यू रेनबो तो यहां पर यह है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष नेक्स्ट है रोज आर ओ एस सी रोज यानी कि गुलाब आर आई एन जी रिंग यानी कि अंगूठी नेक्स्ट लेटर साउंड है एस तो एस फोर होती है स्पून एस पी ओ ओ एन स्पून यानी कि चम्मच नेक्स्ट लेटर है नेक्स्ट वर्ड है स्वान एस डब्ल्यू ए एन स्वान यानी कि हंस और लास्ट है सेवन एस ई वी ई एन सेवन यानी कि सात नेक्स्ट लेटर साउंड है टी टी फोर होता है टेन टी ई एन टेन यानी कि दस नेक्स्ट वर्ड है टमाटो टी ओ एम ए टी ओ टमाटो टमैटो यानी कि टमाटर एंड लास्ट वर्ड है टेबल टी ए बी एल ई टेबल यानी कि मेज अब यहां पर नेक्स्ट है से द वर्ड्स अलाउड यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप बोलेंगे यानी कि कहेंगे सर्कल द पिक्चर और उस पिक्चर पर आपको सर्कल करना है विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड जो कि जिसकी स्टार्टिंग साउंड डिफरेंट यानी कि अलग है द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू आपके लिए एक किया गया है तो यहाँ पर फर्स्ट है फेस फॉक्स और नेक्स्ट है यहाँ पर एफ फॉर फीदर यानी कि पंख और यहाँ पर एच ए टी हेड यानी कि टोप तो यहाँ पर हेड जो है अलग है इसलिए इसे सर्कल किया गया है अब यहाँ पर नेक्स्ट है बी बी डबल -E ई बी -E यानी कि मधुमक्खी बी ई -E एल एल बेल यानी कि घंटी टी फोर टमैटो और यहाँ पर बी फोर बलून तो यहाँ पर बी साउंड से पिक्चर हैं बी बेल और बलून तो ओड यानी कि अलग है टमैटो तो यहाँ पर आप इसे सर्कल कर देंगे नेक्स्ट है एच फोर हैंड ए फोर आंट एच फोर हट एंड एच फोर हॉर्स तो यहाँ पर हैंड हट और हॉर्स जो स्टार्टिंग साउंड है वो एच है लेकिन आंट में जो है वो ए साउंड है तो यहाँ पर आंट जो है ओड है आंट यानी कि छीटी नेक्स्ट है क्लॉक पेन पॉट पैर तो यहाँ पर पी E एन पेन पी ओ टी पॉट पी ए आर आर ओ टी पैरट यानी कि तोता तो तीनों में जो है जो स्टार्टिंग साउंड है वो पी है लेकिन क्लॉक में सी है तो यानी कि क्लॉक जो है वो डिफरेंट साउंड है तो यहाँ पर क्लॉक को आप सर्कल कर देंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्ले टाइम होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इस पेज को यहाँ पर देख सकते हैं इस पेज को आप मिरर यानी कि सीशे के सामने होल्ड यानी कि पकड़ेंगे जैसे कि इस लड़की ने यहाँ पर शीशे के सामने इस पेज को लगाया हुआ है डू दे लुक द सेम इन द मिरर क्या वो मिरर में सेम दिखाई देंगे तो यहाँ पर देखेंगे अब इसने ए ए जो है इसके सामने लगाया तो ए बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है यदि आप बी को लगाएंगे इसी तरीके से यहाँ पर सपोज ये मिरर है आप यहाँ पर बी लिखे हुए पेज को लगाएंगे तो इधर भी जो है बी सेम दिखाई देगा अब ऐसे ही नेक्स्ट है सी तो सी के लिए मिरर यहाँ पर है और यहाँ आपने लगाया सी तो यहाँ पर भी ये कैसा दिखाई देगा सी दिखाई देगा नेक्स्ट है एच तो एच को आप सपोज ये है मिरर और मिरर के सामने आप एच को इस तरीके से रखते हैं तो ये जो है आपको सेम ही दिखाई देगा इट मीन्स ये जितने भी लेटर्स हैं ये मिरर के सामने लगाने पर सेम दिखाई देंगे हाँ यदि आप जो है मिरर की पोजीशन चेंज करते हैं यदि दूसरी साइड मिरर को रख देंगे और दूसरी साइड लेटर्स को लगाएंगे तो उनकी जो पिक्चर होगी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर दिखाई गई है तो पिक्चर में देख सकते हैं पूरी फैमिली है फैमिली में बच्चे हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं अंकल आंटी हैं उनके बच्चे हैं तो सभी जो हैं ये फैमिली में हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु आर देयर इन दिस फैमिली इस फैमिली में जो है कौन कौन है तो फैमिली में कौन कौन है तो इस फैमिली में मदर फादर ब्रॉदर सिस्टर यानी कि बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जो कि भाई बहन हैं ग्रैंड पेरेंट्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं दादा दादी भी हैं तो इस फैमिली में जो है सभी हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट आर दे डूइंग वो क्या कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं सभी जो है अपने घर के कार्य कर रहे हैं कोई यहाँ पर एनिमल्स को चारा खिला रहा है ये नहला रहे हैं ये यहाँ पर दादी माँ बच्चे को नहला रही है ये इस लड़की के बालों में कंगी कर रही हैं तो यहाँ पर जो है सभी अपने अपने घर के कार्य कर रहे हैं इनकी हाउस होल्ड वर्कस कर रहे हैं नेक्स्ट है हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली आप अपनी फैमिली की मदद कैसे करते हैं तो घर में बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि पौधों में पानी लगाना या फिर कपड़ों की तय लगाना अपनी बुक सेल्फ को साफ करना किचन में मम्मी के साथ मदद करना तो बहुत सारे वर्क्स होते हैं जिसमें हम अपनी फैमिली की मदद करते हैं तो आप लिख सकते हैं वाटरिंग द प्लांट्स फोल्डिंग क्लॉथ्स एट्सेट्रा नेक्स्ट इज वॉट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर आपको इस पिक्चर में क्या अच्छा लगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर जो है इस पिक्चर का दूसरा भाग यहाँ पर है तो ये जो है रंगोली बना रहे हैं तो इस पिक्चर में मुझे सबसे अच्छा जो पार्ट लगा वो इसका क्या लगा रंगोली बनाना तो आंसर होगा मेकिंग रंगोली तो आपको यदि कोई और पार्ट इसका यानी कि कुछ और चीज़ अच्छी लगी है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं अब यहां पर नेक्स्ट है माई फैमिली तो यहां पर लेटेस्ट सिंग मेरे साथ सभी बोलेंगे माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार मदर मदर विल यू प्ले विद मी यस आई सेल ये आई सेल वी आर आ फैमिली फादर फादर विल यू ईट विद मी येस आई सेल ये आई सेल वी आर आ फैमिली ब्रदर सिस्टर विल यू डांस विद मी Yes, I sell. Yes, I sell. We are a family. अब हम इसे एक बार फिर से सिंग करेंगे और समझेंगे मदर मदर माँ विल यू प्ले विद मी क्या तुम मेरे साथ खेलोगी तो माँ कहती है यस आई सेल मैं खेलूंगी क्योंकि वी आर आ फैमिली हम एक फैमिली है हम एक परिवार हैं अब फादर फादर अब जो है फादर से कहती है कि फादर फादर विल यू ईट विद मी क्या तुम मेरे साथ खाओगे यानी कि खाना खाओगे तो उसके फादर कहते हैं यस आई सेल कि हाँ हाँ बिल्कुल वी आर अ फैमिली क्योंकि हम एक परिवार हैं तो हम मिलकर खाना खाएंगे नेक्स्ट है ब्रदर सिस्टर भाई बहन विल यू डांस विद मी क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे येस आई सेल यस आई सेल हाँ वी आर अ फैमिली क्योंकि हम एक परिवार हैं तो हम जो है एक साथ डांस करेंगे अब नेक्स्ट है ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर विल्यू सि विदमी कि ग्रैंड मदर दादी माँ क्या तुम मेरे साथ गाओगी तो इस पर दादी माँ कहती हैं यस yes, हाँ आई सेल यस आई सेल वी आर आ फैमिली कि हम एक परिवार हैं तो मिलकर हम गाना गाएंगे अब नेक्स्ट कहती है कि ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर विलयू रीड विदमी कि क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो इस पर ग्रैंड फादर कहते हैं यस yes, हाँ आई सेल येस आई सेल वी आर आ फैमिली तो कि हम तो एक फैमिली हैं हम मिलकर पढ़ेंगे तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो यहाँ पर कुछ लाइन है ये क्या कहती हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है द स्पैरो फैमिली यहाँ पर स्पैरो यानी कि गौरैया की एक फैमिली है यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में ये यहाँ पर स्पैरो का नेस्ट है यानी कि घोंसला है यहाँ पर स्पैरो है और उसके बेबीज हैं तो यहाँ पर ये स्टोरी दी गई है स्पैरो इस की इसे हम पढ़ेंगे मामा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट कि मामा और पापा जो माँ बाप हैं इस्पैरो के बच्चों के तो इस्पैरो जो पेरेंट्स हैं वो एक नेस्ट यानी कि घोंसला बना रहे हैं दे फाउंड अ सेफ प्लेस उन्हें जो है एक बहुत ही सुरक्षित जगह मिली थी द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी कि उनका छोटा सा घोंसला जल्दी ही तैयार हो गया इट वॉज़ सॉफ्ट एंड वॉम ये बहुत ही मुलायम और गर्म था इनका जो नेस्ट था बहुत ही सॉफ्ट था और मुलायम था अब यहां पर साइट वर्ड्स हैं एंड दे दू वर्ड्स इसमें जो आए हैं तो यहां पर एक बार देख लेते हैं नेस्ट यानी कि घोंसला तो नेस्ट मीन्स क्या होता है घोंसला स्पैरो स्पैरो मीन्स होता है गौरैया पक्षी को कहते हैं एग मीन्स अंडे ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ को कहते हैं ग्रैंड मदर नेक्स्ट है ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी नेक्स्ट है आंट आंट यानी कि आंट कहते हैं चाची को अंकल कहते हैं चाचा को कजन कहते हैं चचेरे भाई बहन को तो कजन तो कजन का अर्थ होता है चचेरे भाई बहन मदर मीन्स होती हैं माँ फादर कहते हैं पिताजी को यानी कि पापा को अब नेक्स्ट क्या होता है Mama three small मामा लेड थ्री स्मॉल अंडे जो है खुल गए थ्री लिटिल पॉप डाउट तो उनमें से क्या हुआ छोटे छोटे तीन हेड्स यानी कि सिर पॉप डाउट बाहर झांकना पॉप डाउट का मतलब होता है बाहर झाँकना तो उनमें से तीन छोटे छोटे सिर बाहर की तरफ झाँके पापा स्पैरो ब्रॉड फूड फॉर देम जो पापा स्पैरो थे वो उनके लिए क्या लाए फूड यानी कि खाना लेकर आए एक दिन क्या हुआ कि स्पैरो ने तीन छोटे छोटे अंडे दिए एक दिन अंडे जो है ब्रोकआउट हो गए यानी कि उनमें से बच्चे बाहर आ गए और उन तीनों ने अपने सिर बाहर की तरफ निकाले पापा उनके लिए खाना लाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मामा इस्पैरो हैं उन्होंने तीन एग्स दिए जिनमें से ये छोटे छोटे तीन बच्चे निकले ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो आंट एंड अंकल स्पैरो कजिन्स एंड फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबी स्पैरोज ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ ग्रैंड फादर दादाजी स्पैरो यानी कि स्पैरो के जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर आंट अंकल कजिन एंड फ्रेंड्स थे वो सभी उन बेबी स्पैरोज से मिलने आए द बेबी स्पैरोज ग्री बिगर एंड बिगर जो बेबी स्पैरोज थे यानी कि छोटे छोटे बच्चे थे वो धीरे धीरे बिगर यानी कि बड़े होते गए वन डे और एक दिन द बेबी स्पैरोज हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट और एक दिन जो बेबी स्पैरोज थे छोटे छोटे बच्चे थे घोंसले से बाहर उछलने लगे दे फ्ल्यू अप इन टू द बिग ब्लू स्काई और वो जो है नीले आसमान में इस बड़े से नीले आसमान में ऊपर उड़कर चले गए अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं इस स्टोरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं तो फर्स्ट है यहाँ पर हु आर देयर इन योर फैमिली आपके परिवार में कौन कौन है तो आपके परिवार में जो भी हैं तो आप उन्हें लिखेंगे जैसे कि मदर हैं फैमिली में कौन कौन होता है मदर फादर Brother, और कौन होती है सिस्टर और जिनके ग्रैंड फादर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम भी लिखेंगे तो जिनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो आप उनके नाम लिखेंगे नहीं रहते हैं तो नहीं लिखेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ डू यू हेल्प ईच अदर आप एक दूसरे की किस तरीके से मदद करते हैं जैसे कि क्लीनिंग में यानी कि साफ सफाई में वाटरिंग द प्लांट्स पौधों में पानी लगाने में अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट आर नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल। तो यहाँ पर आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल यानी कि जो आपके फादर हैं पिताजी हैं उनके जो माता-पिता हैं उनका नाम लिखना है एंड मैटरनल जो आपकी मम्मी के माता-पिता हैं उनका नाम लिखना यानी कि आपको यहाँ पर अपने दादा दादी और नाना नानी के नाम लिखने हैं अब नेक्स्ट है विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस आप जो है अपने घर के आसपास कौन सी बर्ड देखते हो यानी कि आपको कौन सी बर्ड दिखाई देती है तो जैसे कि मुझे अपने घर के आसपास पिजन दिखाई देते हैं तो आपको जो भी बर्ड दिखाई देती है आप उसका नाम लिखेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है इफ यू वर द बेबी स्पैरो यदि आप बेबी स्पैरो होते वेयर वुड यू गो फ्लाइंग तो आप उड़कर कहां जाते तो कहाँ पर जाते इन स्काई यानी कि खुले आसमान में अब यहाँ पर नेक्स्ट है वॉट डू यू थिंक द बेबी स्पैरोज सॉ फ्रॉम द स्काई आपको क्या लगता है कि जो बेबी स्पैरोज हैं वो आसमान से क्या देखते हैं तो क्या देखते हैं तो बेबी स्पैरोज स्काई से क्या देखते हैं तो वो आसमान से न्यू थिंग्स ऑन द ग्राउंड यानी कि नीचे की तरफ ग्राउंड पर नई नई चीजें देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन है वॉट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग आप अपनी मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में नीचे दिए गए मेंबर्स को क्या कहकर बुलाते हो तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स हैं तो मदर को आप क्या कहते हो जैसे कि तो फर्स्ट है यहाँ पर मदर तो मदर को जो है मम्मी भी कहकर बुलाते हैं माँ भी कहकर बुलाते हैं तो आप जो भी बुलाते हैं आप वो लिखेंगे नेक्स्ट है फादर तो फादर को पापा भी कहते हैं डैड भी कहते हैं तो आप जो भी कहकर बुलाते हैं अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे नेक्स्ट है एल्डर ब्रदर एल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई को भाई भी कहते हैं और भैया भी कहते हैं एल्डर सिस्टर को दीदी कहकर बुलाते हैं यदि आप कुछ और कहकर बुलाते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर यानी कि ग्रैंड मदर को क्या कहकर बुलाते हैं दादी जी आपके यहाँ पर कुछ और बुलाते हैं तो आप वो लिखेंगे नेक्स्ट है ग्रैंड फादर तो ग्रैंड फादर को दादाजी कहकर बुलाते हैं आंट को चाची और अंकल को चाचा कहकर बुलाते हैं तो यदि आपकी फैमिली में इन सभी मेंबर्स को किसी और नाम से जाना जाता है तो आप उस नाम को भी यहाँ लिख सकते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फैमिली इन द बॉक्स गिवन यहाँ पर जो है ये जो बॉक्स दिया गया है आपको यहाँ पर अपने परिवार की पिक्चर बनानी है यानी कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य रहते हैं तो आप यहाँ पर उन सदस्य की पिक्चर बनाएंगे यू में इंक्लूड एनी इंटरेस्टिंग थिंग आप इस पिक्चर में कुछ अन्य चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अबाउट योर फैमिली जैसे कि पेट्स आपकी फ़ैमिली में पेट कौन कौन से हैं योर प्लांट कौन कौन से पौधे हैं ट्रीज कौन से पेड़ हैं इन योर गार्डन आपके बगीचे में और एनी अदर थिंग तो आप जो है पेड़ पौधे या आपके घर में जो भी पैट हैं इस पिक्चर में यहाँ पर बना सकते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है द वर्ड फादर बिगिंस विद एफ साउंड जो फादर वर्ड है वो एफ साउंड से शुरू होता है किससे एफ साउंड से रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विद एफ साउंड यहाँ पर उन वर्ड्स को आपको रीड करना है जो कि एफ साउंड से शुरू होते हैं तो फर्स्ट है यहाँ पर एफ ओ एक्स फॉक्स फॉक्स यानी कि लॉमड़ी नेक्स्ट पिक्चर में क्या है फीदर यानी कि पंख तो एफ साउंड से शुरू है एफ ई ए टी एच ई आर फीदर नेक्स्ट इज फूड एफ ओ ओ डी फूड यानी कि खाना नेक्स्ट है एफ ओ ओ टी फूट यानी कि पैर एफ आई वीई फाइव यानी कि पांच एफ एल ए जी फ्लैग यानी कि झंडा अब यहाँ पर नेक्स्ट है द वर्ड मदर बिगिन विद एम साउंड मदर जो वर्ड है वो एम साउंड से शुरू होता है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं दैट बिगिन विद एम साउंड जो कि एम साउंड से शुरू होते हैं तो उन्हें हम रीड करेंगे तो फर्स्ट पिक्चर में कौन है ये मैन तो मैन में एम साउंड है एम ए एन मैन यानी कि आदमी नेक्स्ट पिक्चर में है मास्क यानी कि मुखोटा एम ए एस के मास्क कहते हैं मुखोटे को एम ओ यू एस ई माउस यानी कि चूहा एम ओ ओ एन मून मिस चांद एम ओ एन के ई वाई मंकी बंदर एम ओ यू टी एच माउथ मूव अब यहाँ पर नेक्स्ट है रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है टेक द वर्ड्स दैट बिगिन विद एफ जो वर्ड्स एफ साउंड से यानी कि एफ लेटर से शुरू होते हैं उन पर आपको टिक करना है सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद एम और जो एम से शुरू होते हैं उनको आपको सर्कल करना है फर्स्ट है एफ आई एस एच तो यहाँ पर एफ साउंड से शुरू है एफ लेटर से शुरू है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे नेक्स्ट है एम यू जी मग तो यहाँ पर एम से शुरू है तो इस वर्ड को आप सर्कल कर देंगे नेक्स्ट है एम ए पी मैप तो यहाँ पर भी सर्कल करेंगे नेक्स्ट है सिस्टर एस आई एस टी ई आर तो ये ना तो एम से स्टार्ट है ना ही एफ से नेक्स्ट है फेस एफ ए सी ई तो यहाँ पर जो है आप राइट right मार्क कर देंगे नेक्स्ट है एम ए टी मैट तो ये एम से स्टार्ट है तो यहाँ पर सर्कल करेंगे नेक्स्ट है एफ़ ए एन फैन तो फैन जो वर्ड है वो एफ से स्टार्ट है तो टिक करेंगे नेक्स्ट है आई ई वाई ई तो ये ना तो एम से स्टार्ट है ना ही एफ़ से नेक्स्ट है फिंगर एफ आई एन जी ई आर तो यहाँ पर आप टिक करेंगे नेक्स्ट है मिल्क तो यहाँ पर एम से स्टार्ट है एम आई एल के तो यहाँ पर इसे सर्कल करेंगे अब यहां पर नेक्स्ट है राइट द वर्ड्स यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आप लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड है तो आप जो है इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में भी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे एफ ए टी एच ई आर तो यहां पर लिखेंगे एफ ए टी एच ई आर फादर अब ऐसे ही आगे लिखेंगे एफ ए टी एच ई आर नेक्स्ट है मदर एम ओ टी एच ई आर अब फिर से दोबारा लिखेंगे एम ओ टी एच ई आर नेक्स्ट है सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर अब फिर से लिखेंगे सिस्टर एस आई एस टी ई आर सिस्टर यानी कि बहन नेक्स्ट है ब्रदर ब्रदर कहते हैं भाई को तो बनाएंगे बी आर ओ टी एच ई आर ब्रोदर फिर से लिखेंगे बी आर ओ टी एच ई आर ब्रादर तो इस तरीके से जो है आप इन वर्ड्स को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है पिक्चर टॉक लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बाथरूम यहाँ पर ये बाथरूम की पिक्चर दी गई है लेबल द थिंग्स इन इट या इसमें जो है जो भी चीज़ें हैं उन पर आपको नाम लिखना है तो यहाँ पर देखेंगे ये फुल बाथरूम की पिक्चर है वॉट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर इस पिक्चर में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ये क्या है यहाँ पर ये है सॉवर एस एच ओ डब्ल्यू ई -e आर सॉवर यानी कि फवारा नेक्स्ट है यहाँ पर टावल टी ओ डब्लू ई एल यहाँ पर टावल यानी कि तौलिया है यहाँ देखेंगे ये क्या है मिरर तो यहाँ लिखेंगे एम आई आर आर ओ आर मिरर यानी कि शीशा यहाँ पर क्या है ये टैप टी ए पी टैप यानी कि नल है ये तो यहाँ पर क्या है ये टूथपेस्ट है टी ओ ओ टी एच पी ए एस टी टूथपेस्ट भी है और क्या है टूथब्रश T टी ओ ओ H टी एच बी आर यू एस एच अब यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं ये यह है यहाँ पर वाइपर तो यहाँ पर यह क्या है यह है वाइपर डब्लू आई पी -E ई आर अब यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर यह है वॉश बेसिन तो यहाँ लिखेंगे डब्लू ए एस एच बी एस आई एन यहाँ पर जो है ये क्या है ये है सोप एस ओ ए पी सोप यानी कि साबुन यहाँ पर देखेंगे ये क्या है बकेट बी यू सी के ई टी बकेट यानी कि बाल्टी यहाँ पर है ये मग एम यू जी ये क्या है ये है यहाँ पर टब टी यू बी यहाँ पर ये यह क्या है तो यहाँ पर पिक्चर में है स्लीपर्स तो यहाँ लिखेंगे एस एल आई पी पी ई -E आर एस स्लीपर्स और यहाँ पर जो है बैठने के लिए स्टूल है तो यहाँ लिखेंगे एस टी ओ ओ एल तो ये जो है बाथरूम में सभी थिंग्स हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैप कि आपको टैप जो है उसे बंद करना याद होता है वेन यू आर नॉट यूजिंग इट जब आपका जब आप इसका यूज नहीं कर रहे होते हैं वाई शुड वी डू सो तो बिल्कुल हमें याद रहता है हमें ऐसा क्यों करना चाहिए ताकि जो पानी हो वो वेस्ट ना हो तो यहां पर लिखेंगे हम यस yes, हाँ, हमें टैप को बंद करना याद रहता है जब हम इसका यूज नहीं करते हैं वाई शुड वी डू सो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए वी शुड नॉट वेस्ट द वॉटर हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए यानी कि उसे बर्बादी से बचाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए नाउ लेटर साउंड्स यहाँ पर जो है लेटर्स की साउंडस हैं तो यहाँ पर कौन कौन से लेटर्स की साउंड है यू वी और डब्ल्यू तो सबसे पहले यू लेटर साउंड के वर्ड्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट है यूनिफॉर्म यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म नेक्स्ट है यूटेंसिल्स तो यहां पर ये बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं यानी कि बर्तन है यू टी ई एन एस आई एल एस अब नेक्स्ट है यहाँ पर वी साउंड के वी ए एन वेन नेक्स्ट है वी ए एस ई वास नेक्स्ट है डब्ल्यू साउंड के डब्लू ई एल एल वेल वेल मीस होता है कुआ W A L L वॉल वॉल मीस होती है दीवार अब हम पढ़ेंगे एक्सट साउंड के तो एक्स साउंड के वर्ड हैं एक्स रे दूसरा वर्ड है जाइलोफोन एक्स वाई एल ओ पी एच ओ एन ई अब नेक्स्ट है वाई साउंड के याग u। यू नेक्स्ट है जेड जेड आई पी जिप जेड ई बी आर ए जैबरा अब यहां पर नेक्स्ट है नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ़ द नेम्स ऑफ पिक्चर्स यहाँ पर जो है पिक्चर्स के नेम की आपको इनिशियल यानी कि पहली साउंड को नोटिस करना है इन ईच रॉ प्रत्येक लाइन में फाइंड द ओड वन आउट और जो अलग है उसे ढूंढना है तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है सिप की तो यहाँ पर इनिशियल साउंड है एस दूसरी पिक्चर में है स्पून तो इसकी भी इनिशियल साउंड है एस तीसरी पिक्चर में है लीव तो यहां पर इसकी इनिशियल साउंड यानी कि पहली साउंड है एल तो यहां पर जो है ओड कौन सा है लीव तो इसे आप सर्कल कर देंगे नेक्स्ट है सन में सूर्य तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है टमेटो और लास्ट में क्या है टेन तो यहां पर सन की इनिशियल साउंड है एस टमेटो की इनिशियल साउंड है टी और टेन में इनिशियल साउंड है टी तो यहाँ पर एस यानी कि एस फोर सन सन की जो इनिशियल साउंड है बाकी से डिफरेंट है तो यहाँ पर इसे सर्कल करेंगे क्योंकि ये ओड है नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर है ट्री की तो ट्री वर्ड में इनिशियल साउंड है टी दूसरी पिक्चर में क्या है दूसरी में है पैरट तो पैरट में इनिशियल साउंड है पी पॉट में इनिशियल साउंड है पी तो यहाँ पर दोनों की सेम इनिशियल साउंड है लेकिन ट्री में डिफरेंट तो यहाँ पर ट्री को आप सर्कल कर देंगे नाउ कलर द पिक्चर्स एंड द लेटर्स यहाँ पर जो है पिक्चर्स में और लेटर्स में कलर फिल करनी है तो फर्स्ट यहाँ पर लेटर है टी तो आप जो है इसमें कलर फिल करेंगे तो अपनी चॉइस से कोई भी कलर फिल कर देंगे तो टी फोर टी से कौन सा वर्ड होगा तो टी से पिक्चर है ट्री तो आपको जो है यहाँ पर ट्री में भी कलर फिल करना है तो आप जो है अच्छे से ट्री में कलर फिल करेंगे तो टी फोर टेबल होती है टी फोर टेप नल टी फोर यानी कि ये सभी जो है आपको इन सभी में कलर फिल करना है ऐसे ही अब नेक्स्ट है आर तो यहाँ पर कैपिटल आर है और स्मॉल आर तो आर फोर होता है रॉकेट तो आप रॉकेट में भी कलर फिल करेंगे आर फोर रेट यानी कि चूहा आर फोर रिंग रिंग मिस होती है अंगूठी आर फोर रोज यानी कि गुलाब का फूल तो आप इन सभी में कलर फिल करेंगे तो अपनी चॉइस से आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेटेस्ट थिंग यू ऑल नो आप सभी जानते हैं द एल्फाबेट सॉन्ग एल्फाबेट सॉन्ग को हमने शुरू में पढ़ा था तो सभी जानते हैं लेटर्स सिंग इट वाइड रीडिंग द लेटर्स अब हम इसे दोबारा से जब हम लेटर्स को रीड करते हैं फिर से सिंग करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो आप इस तरीके से इस अल्फाबेट सॉन्ग को सिंग करेंगे नेक्स्ट इज सिंग इट लाउडली फॉर द कैपिटल लेटर्स एंड सॉफ्टली फॉर द स्मॉल लेटर्स आपको तेजी से जो है जहां पर कैपिटल लेटर्स हैं तो वहाँ लाउडली सिंग करना है और जहां पर स्मॉल लेटर्स हैं वहां पर सॉफ्टली बोलना है तो इस तरीके से आपको सिंग करना है तो आप इस सॉन्ग को स्वयं इसी तरीके से सिंग करेंगे अब यहाँ पर कुछ करने के लिए लेटर्स डू लेटस मेक पपिट्स यहाँ पर जो है एक पपिट बनाना है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर टीचर आपकी टीचर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है लेटस मेक सिक्स थिक पेपर स्ट्रिप इस तरीके से छह पेपर यानी कि कलरफुल पेपर की आपको स्ट्रिप काटनी है पट्टिया दीज स्ट्रिप मे बी ऑफ एनी कलर तो आप किसी भी कलर की इन्हें काट सकते हैं यानी कि कोई भी कलर का पेपर लेकर ऐसी स्ट्रिप्स आप काटेंगे उसके बाद आपको क्या करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर अपनी टीचर की मदद से ड्रॉ फेसेस ऑफ ईच फैमिली मेंबर्स ऑन पेपर पेपर पर आप अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर का फेस बनाएंगे उसके बाद स्टिक ईच पिक्चर ऑन वन एंड ऑफ द स्ट्रिप उसके बाद जो आपने सिक्स स्ट्रिप काटी हैं तो उनके प्रत्येक एंड पर यानी कि जो छोर है उनका उस पर आपको प्रत्येक पिक्चर को आप चिपकाएंगे द पिक्चर मे हेल्प यू जो पिक्चर है यहाँ पर आप इस तरीके से चिपकाएंगे तो ये पिक्चर जो है आपकी चिपकाने में मदद करेगी यू मे नाउ यूज दीज अब इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड आप फेस चिपका देंगे तो आप इन्हें अब एज पपिट्स पपिट्स के रूप में यूज कर सकते हैं एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं तो आप इस तरीके से पपिट्स बनाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे तो ये था आपका चैप्टर टू ग्रीटिंग्स तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा तो आपने इस चैप्टर में ग्रीटिंग्स करना सीखा यानी कि एक दूसरे का वेलकम हम किस तरीके से करते हैं किस तरीके से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू